ये गाइस ताऊ जी के केले का बगीचा। हाँ बगीचा गाइस, आज मैंने ना काफी दिनों बाद कट्टा उठाया और इतना भारी लग रहा है ना मेरे को, चले भी नहीं जा रहा मेरे। गाइस राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी, आई होप एकदम मस्त हो गए और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज है संडे, तो ऊपर से बारिश भी लग रही है, मौसम बहुत ख़राब हो रहा है। सुबह से बहुत बारिश लग रही थी और टमाटर तोड़ रहे हैं आज, तो अभी मुझे खेत में जाना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा निमला हो रहा है। इसमें आ गई हूँ खेत में और हल्की हल्की बारिश लग रही है, अभी भी लग रही है, तो ये तो क्या पता पूरे दिन भर ही रहे हल्की हल्की बारिश। तो हम तो अपना काम करते हैं जो भाई काम है, और बारिश के क्योंकि बारिश का कब क्या भरोसा कि बारिश रुकेगी भी या नहीं रुके, तो जो भी एक दो कट्टे होते हैं मैं धोती हूँ उसको, क्योंकि टमाटर ख़त्म हो गए हैं। ऊपर से रास्ता इतना गंदा है और बारिश में तो इतना गंदा हो जाता है ना ये रास्ता, और घास अलग से है। तो मम्मी भी अभी 20 मिनट पहले ही आए हैं टमाटर तोड़ने। मम्मी भी पता नहीं कहाँ थे उस टाइम जब आधे घंटे निमला हो रहा था और फिर से स्टार्ट हो गई अब तो बारिश। तो चलो हम तो अपना काम करते हैं। तो आज संडे था तो मैंने सोचा कि व्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि बारिश में भी हम लोगों को काम करना पड़ता है। हम लोगों को तो नहीं, पर हाँ मम्मी पापा जो लोग काम करते हैं घर का, उनको तो करना ही पड़ता है। हमें तो ऐसे कि कभी कभी कर लो, कभी कभी नहीं भी करो। और आपको आज मैं अपने टमाटर भी दिखाती हूँ, ख़त्म हो गए हमारे टमाटर। ये देखिए टमाटर अब ख़त्म हो चुके हैं, मतलब ख़त्म हो जाएगी अगले मंथ तक तो शायद से। और मम्मी भी यहाँ नीचे ही है, दिखाई दे रही होगी आपको, ओ परे मम्मी टमाटर तोड़ रहे हैं। अभी एक खेत तोड़नी, उसके बाद दूसरी तोड़नी, उसके बाद तीसरी तोड़नी। आज पता नहीं, मैंने सोचा था संडे वाले दिन हाँ रेस्ट करूँगी यार, क्योंकि ट्रेवलिंग करके यार थक जाते बहुत ज़्यादा। तो चलो कोई ना, पिछले संडे मुझे बिल्कुल रेस्ट था, इस संडे काम कर लेते हैं। और आज हमारे टमाटर पता नहीं कब टूटेंगे, ऊपर से ये बारिश ही बंद नहीं हो रही कि भगवान जी थोड़ा बहुत निमला दीजिए हमें काम करने के लिए। उसके बाद ही अब ड्रेस चेंज होगी, नहा धोआ जाएगा जब ये पूरा काम होएगा खेत का। तो अभी तो शायद से मम्मी बोल रही कि 4-5 करट्टे हो जाएगी, तो अभी काफ़ी है टमाटर तोड़ने के लिए, सूख सी गए हैं। बाकी टमाटर तो बहुत सारे दिख रहे हैं मुझे, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए फल तो बहुत है अभी इसमें लगा हुआ, पर टमाटर सूख जाते हैं ना जब ख़त्म होते हो, तो सूख, ये देख सकते हो आप, सूख गए टमाटर। और रेट भी कम आ गया, अब क्या करना है इन टमाटर का, उस टाइम तो चले नहीं जब इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, पर जो भी चले ना यार बहुत मिला, जितना मिला भगवान की उससे ज़्यादा के चक्कर में उतना भी नहीं मिलता है, इसलिए धैर्य रखिए, सबको सबको सही टाइम पे मिलता है। ये देख सकते हो आप टमाटर तो मुझे काफ़ी दिखाई दे रहे हैं, अभी तो चले गए ये नेक्स्ट मंथ तक। एंड आप देख सकते हो इस टाइम तो मौसम ऐसा लग रहा है काला बिल्कुल, ये फ़ोन में लग रहा है, ये इतना भी नहीं हो रहा काला जितना फ़ोन में लग रहा है। ये देखिए हमारे गोल गोल टमाटर, ये गाइस टमाटर पका हुआ टमाटर, जब अपने होते हैं ना टमाटर तो खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता है, हाँ जब अगर खरीदने होते ना तो खाने का मन करता है बहुत। और ये देखिए ये पता नहीं क्या लगाया हुआ पापा ने ऊपर से, क्योंकि यहाँ नीचे बीन लगाई हुई, कहीं मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये होता है बीन का पौधा, ये है बीन हमारी लगी हुई, तो उस करके ये जो पापा ने डिज़ाइन किया है ये ऊपर से, ये बहुत अच्छा डिज़ाइन किया है। इसके लिए मैं आपको कभी नेक्स्ट संडे वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि यार बारिश लग रही है और मेरा फ़ोन भीग रहा है, कहीं ये जमा ही ठप हो जाए, चले बना इतनी भी नहीं बनेगी तब वीडियो। इस बारिश कुछ ज़्यादा ही लग गई है और मैं इस पेड़ के नीचे खड़ी हो रही हूँ, तो एक कट्टा टूट चुका है, तो मैं उसको ना रख के आती हूँ एक कट्टे के ऊपर, तो आपसे मैं ना बाद में मिलती हूँ। अभी मैं तब मम्मी अभी यार बारिश लगी बहुत, रहने दो अब तोड़ना, कहीं जुखाम आए। और ये देखिए मेरा देसी चावल सुन रहे हो मम्मी क्या बोल रही है, बरखा होती कोई गाइस, बहुत बरखा लग रही है, इनको पता नहीं क्यों नहीं दिखती है, अरे मेरे फोन में नहीं दिखती, पर गाइस बहुत बरखा लग रही है, देखो मैं भीग चुकी हूँ सारी। और मेरी मम्मी की आप खेत की ड्रेस देख सकते हो गाइस, जो मेरे को स्कूल में नहीं मिली थी ड्रेस, मैंने उस टाइम 12th के लास्ट सी में मिली थी, तो मैंने दोनों सिलवा दी थी, तो वो एक पहनने का तो मौका ही नहीं मिला। और मम्मी देखो कैसे मम्मी ने मेरी ड्रेस का पूरा उपयोग कर रखा है, ये देख सकते हो आप यहाँ पे, इनकी ये खेत की ड्रेस बनाई हुई है इन्होंने,
और आपको बारिश दिख रही है यार फोन में, पता नहीं क्यों नहीं दिख रही, पर गाइस बारिश हो रही है यार, आपको आवाज़ तो आ रही होगी। तो ना मैं कट्टा छोड़ के आती हूँ क्योंकि दूसरा भी भरने वाला है। और ये देख सकती हूँ नीचे वाले जो खेत ना, ये मोटू भैया की है, इनके तो अभी चले हैं टमाटर, तब चले जब बिल्कुल ही इनके तो इन ये वाली खेत तो चली नहीं थी उस टाइम जब गाइस रेट था ना, ये चली उसके बाद ही। गाइस आज मैंने ना काफ़ी दिनों बाद कट्टा उठाया और इतना भारी लग रहा है ना मेरे को, चले भी नहीं जा रहा मेरे। देख सकते हो आप कितने किलो का होगा ये कट्टा, बताना मुझे कमेंट में। और इतना भारी लग रहा है ना आज क्योंकि मैंने इस मंथ आज उठाया है कट्टा, काफ़ी दिनों बाद मैंने कट्टा उठाया है, उठाया नहीं जा रहा मेरे, ऊपर से बारिश, ऊपर से ये रास्ता यार। इसमें आ गई हूँ एक कट्टा छोड़ के, तो आप सोच रहे होगे ये कहाँ खड़ी हो रही है, तो मैं हो रही हूँ ताऊ जी के ओबरे के बाहर अभी खड़ी हो रही हूँ, क्योंकि यार बारिश लग रही है, बूंदाबांदी हो रही है, ऊपर से मेरे को जुकाम ऐसे आता है ना तुरंत, तो मम्मी जब कट्टा तोड़ देगी ना मैं तभी जाऊँगी नीचे को। तो आपको मैं यहाँ पे ना ताऊ जी का केले का बगीचा दिखाती हूँ, रुको। ये गाइस ताऊ जी के केले का बगीचा, हाँ बगीचा गाइस, यहाँ पे ना केले भी लगे, और ये जो घर के केले होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं खाने के लिए। अभी मुझे नीचे से तो दिखाई दे रहे थे, अब कहाँ गई, ये देखिए गाइस यहाँ पे। और कुछ जो और लगे हुए थे वो ताऊ जी ने तोड़ दिए क्योंकि वो पक गए थे, तो ताऊ जी ने हमारे को भी दिए थे खाने को, बहुत सारे, बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो किस किस को घर के केले पसंद है वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आगे जब हो गए ना कभी आगे, तब मैं आपको पक्का भिजवाऊँगी, क्योंकि अभी थोड़े कम है, नहीं अभी भी भिजवा सकती हूँ मैं अगर कोई नज़दीक है, एक दो तो दे ही देगा मेरे को ऐसे भी क्या, क्योंकि अब जो इतने ही होते, इसमें कम ही होते, शायद से ज़्यादा तो नहीं होते, मतलब एक क्रेट तो निकल जाती है। तो अभी तो मुझे यही दिखाई दिए नीचे से, और मेरे को ना मम्मी गाली दे रही है कि कब से आई हुई है, क्या कर रही है यहाँ पे। तो मैं ना पहले टमाटर ही धो देती हूँ, उससे उसके बाद मिलूँगी मैं अब आपसे, क्योंकि मैंने आपको दिखाई दिया आज कि हम पहाड़ी लोग काम भी करते हैं, चाहे बारिश हो चाहे जो मर्जी हो। तो साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते चले, क्योंकि आप बिल्कुल भी प्यार नहीं बरसाती हो अपना, इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं, ठीक है, ओके। तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और अगर मुझे टाइम लगा तो मैं शायद आज ही वीडियो एडिट करके डाल भी दूँगी, अगर मुझे दिन में टाइम लगा तो। अभी एक दो कट्टे मैं धो लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलूँगी अब। तो तब तक के लिए बाय, टाटा।